सारी सब आया है, बच्चे को कुरान पाक पढ़वा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे बच्चे, खाना पक रहा है। और जो है ना चिकन वाला, चिकन वाली बिरयानी बना रहे हैं, ये देखिए ये बना रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना पता नहीं पुलाव बना रही है कि बिरयानी, फातिमा बना रही है। मैं अभी आई हूँ किचन में तो मैंने देखा। और नैना के लिए एग बॉयल करके रखे हैं, नैना ये खा लो रखे हुए। यहाँ पे जो है ना फातिमा खाना बना रही है। फातिमा आप क्या बना रही हो? आज पुलाव बना रही हूं। पुलाव बना रही हैं और ज़रदा भी बनाएंगी। तो जी ये देखें फातिमा जो है अब काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं। और खाना देखते हैं कैसा बनाती है, आज हम देखेंगे कि कैसे बनाती है। आज मैं चेक करूँगी ना कैसे बनाती हैं आप। तो जी मिठू भी आ गया है। चले जी ये मैंने छठी के लिए सूट सिलवाया था तो अभी ये सिल गया है और मैं लेके आई हूँ। और ये है इसका दुपट्टा और ये शिफॉन का है, बहुत अच्छा। और ये इनकी पैंट है और ये सिलवाया। चले जी पुलाव हमारा जो है ना तैयार हो गया है, ये देखिए ये वाली चूड़ियाँ जो है ना मुझे फातिमा ने दी है, ये वाली ये मैचिंग हो गई है। चले भाई हम सब बैठे हुए हैं इकट्ठे और अभी जो है बच्चे को दूध लगाएंगे। और ये वाला सूट जो है मेरा नदीम ने बहुत चस्ती किया है माशाल्लाह। अम्मी रकम आई है हाथ में। ये देखो मुझे पैसे भी दे रही फातिमा, क्या बात है भाई। आज कोई बालियां पहना रहा है, कोई बालियां भी पहनाई, पैसे भी दिए, अल्लाह जाने क्या बात। फातिमा अमीर हो गई, अम्मी अल्लाह करे ऐसे रहे आमीन। ये तो आपने इसकी भी देखी होगी। हाँ इसकी भी देखी, सबके देखी थी। ये तो कल नहीं था। नेता लेकिन उस टाइम पे छठी होती थी, लेकिन ये जो ये रसम है ये तो इधर किचन में आई हूँ तो इधर कुछ और हो रहा है। फातिमा को देखें कितनी खूबसूरत इसे सजाई है, ये सलाद और रायता और खाने, फातिमा के खाने। चलें भाई आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। देखो कैसे हमारी फैमिली कितना प्यारी लग रही है, फैमिली को देखो, फैमिली बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कौन खुश है, कौन खुश हो रहा ज्यादा? इसका बेटा भी ज्यादा माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे खुश रहो। जहाँ से भी खुश हूँ खुश रहे सारे खुश होंगे। दिल पर आप कितना खुश हो? मैं भी खुश हूँ। आपका भी बेटा है ना, है ना? हाँ सब शाहरुख तुम खुश हो? हाँ नैना तुम? मैं खुश हूँ, मैंने सूट चांदी की चेन और सब कुछ पहना हुआ है। और नदीम भाई? अच्छा ये लोग भी ठीक है, दिया मैंने इनके मेकअप के लिए, इन्होंने खुद पहन के रख लिया। खुद पहन के बैठे हुए हैं, सही है ना, अच्छी बात है। हाँ बड़े हाँ सलाम करो जी। काम में देर से थोड़ी देर लेट हो जाएंगे तो इंतजार कर रहे थे और अभी
खाला भी आ गई है, फूफा भी आ गई है, सब आ गए हैं। तो चले जी अभी जो है हम करते हैं अपनी रस्म शुरू। ये क्या लेके आए हो बाबा? चमची से लगाएंगे सब। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांदी की चमची लाया हूँ। चांदी की चमची है माशाल्लाह। क्या लेके आया है बाबा? भाई देखो मैंने, हाँ मैंने, उठ जाओ। कितने सिक्का भी डाला है तुमने, है ना? अच्छा ये तुमने किसने तुम्हें सिखाया था कि तुम ऐसे? ये क्या कर रहे हो आप? खुश हो रहे हो? वो कैसी है? हाँ नहीं, वो उसको नहीं दिखा रही है, आपको दिखा रही है। कैसी हैं आप? ठीक है। फिर तैयारी की हम एक साथ जाएंगे उम्रे पे। उम्रा पे फिर जाएंगे हम, है ना? तैयारी करो, साथ चलेंगे, है ना? बाबर ना सबके बच्चों को घुट्टी लगाई। बाबर बस बस चलो, बस चलो चलो, हट जाओ अभी। नाना लगाएगा घुट्टी। नाना ने तो पिलाया ही नहीं है। यहाँ पे लगा दो, पिएगा तो नहीं वैसे। बस पी लिया, पी लिया, पी लिया। बुआ लगाएगी, फूफा आ गई। चम्मच से बीमारी होती है। चलो माशाल्लाह। चले भैया अभी जो है ना मोहन दीम की पारी है, मोहन दीम दूध लगा रहे। चलो ये बच्चे की छुड़ाजमी लगाएगी ना छोटी मम्मा, आप भी लगाएंगी? अच्छा चलो अभी छोटी मम्मा अभी लगाएगी दूध। चलो अभी छोटी माँ अभी लगा रही है दूध। ये देखे फारिया भी अभी जो है ना दूध लगा रही है। चलें भाई चलो, अब आ गई फातिमा। फातिमा की बारी है। अब लगा लिए दादी। दादी दादी नहीं है। चले सब काम हो गया हमारा। फूफा रह गया। फूफा है क्या है? नैना की बारी है। हिंदी नहीं नहीं, मेरा छोड़ो, मेरा क्या करना, मैंने नहीं बनाना। रुक सेम हो जाती है। चलो बस बाबर की नकली नहीं, एक नकली फूफो, असली असली नकली नहीं। चलो ये खाना लगा दिया है तो अभी खाना खाने लगे। चलो खाना अच्छा बनाया खाला। कैसा बनाया? बहुत मजे का, दोनों दोनों मजे के है। दोनों फातिमा ने बनाया। फातिमा ने बनाया। फातिमा कारीगर है भाई। हाँ। बहुत मजे का।
और फूफो आप बताएं, आप भी खाना बनाती हैं, कैसा बनाए? माशाल्लाह बहुत मजे का है। चले जी, देखे फातिमा की तारीफ हो रही है इधर, बहुत हाँ मजे के खाने बनाए माशाल्लाह बहुत। हाँ दिल पर आप बताए फातिमा ने कैसा खाना बनाया है? बताओ दिल पर फातिमा ने कैसा बनाया खाना? बहुत अच्छा है, मजे का। देखो भाई बहुत मजे के खाने बनाती है फातिमा। क्या ने बनाया भाई? अबू क्या होता है जी? सुबह का टाइम है और मैं बेबी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं और फातिमा दोनों बेबी को जो है ना हिफाजत जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं, तो वो लगवाने जा रहे हैं। दोनों सुबह सुबह जाना होता है तो 10 बज रहे हैं और अभी मैं और फातिमा जा रहे हैं। नैना सुबह पता है मेरे साथ क्या हुआ था? आपको पता है क्या हुआ? सुबह सुबह मैं उठी जल्दी से, मैंने कहा जाऊँ बेबी को टीका लगवा के आती हूँ जो हिफाजती होता है ना वो वाला। तो मैंने फातिमा को उठाया और मैं भी, मैंने कहा दोनों बच्चों को लेके जाते हैं। फातिमा ने कहा मुझे 10 बजे जाएंगे, 10:30 तो अभी नहीं चलते। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। फिर मैं उठी, मैंने तैयारी कर ली सब कुछ, फिर फातिमा भी उठ गई, दोनों बच्चों को तैयार किया। काफ़ी टाइम मुझे लग गया। फिर जो है ना हम लेके गए, जब हॉस्पिटल लेके गए ना, उन्होंने हमें ये बोला कि पीर वाले दिन है ना, पीर वाले दिन जो है ना डॉक्टर होते हैं वह ना नहीं छोटे बच्चों के लिए। गर्मी रहता ना, मीर कहता मुँह है। तो हम फिर गर्मी इतनी थी, पैदल जा रहे थे दोनों, तो फिर वापस आए हम। तो फिर आई हूँ मैं, बेबी को मैंने नहलाया। अब सुकून से सोया हुआ है? अब सोया हुआ है सुकून से मेरा शहजादा। अच्छा, जो मेरे बेटे को काला हुआ था ना, आप खुद हो गए आप लोग ऐसे। और वैसे भी काला होना कोई गुनाह नहीं है। बच्चे जो है ना पूरा 1.25 महीना जो ये है ना, और उसको मेरे बेटे को पहले पैदा में कितना सा कलर फेयर था ना। हाँ। इसका भी जो है ना पीला के बाद कलर ऐसा हो गया। और आगे से तुम लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे, तोतला होगा ये होगा। मैं इतनी गंदी बोलने दो, कोई बात नहीं बोलने दो। मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग नहीं छोड़ते, और बस ये है छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा जैसे आप लोग पता नहीं कैसे, मेरा बेटा तो जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो, टोटा है। पता क्या, फिर मैंने इसको नहलाया, गर्म पानी किया। जब मैं नहला रही थी, जब मैंने इसको नहलाया ना, इसको इतना सुकून आया गर्म पानी से। मैं नहला रही थी तो नहीं, कितना अच्छा बिल्कुल, इतना खुश हो रहा था, आराम से इसको सुकून मिल रहा था। मैंने नहलाया काफी देर, नहला के फिर मैंने इसको तौलिए में लपेट दिया था। फिर कपड़े चेंज कर, इसलिए ये रोज नहाएगा। अब जो है मैं इसको रोज नहलाऊंगी और जो है ना ये इसको सुकून मिलेगा है ना। फिर मालिश भी करेंगे, नहलाएंगे तो सुकून। देखो आज सुकून से है ना, सुकून से बेचारे को थोड़ी सी खाइश। हाँ, मुझे इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि अल्लाह करे आपके बेटी के साथ भी ऐसा हो जैसे फातिमा के साथ। मैंने कहा देखो इनको, अब ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने फातिमा के साथ क्या गलत किया है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। चलो छोड़ो, इग्नोर करते हैं इनको, बोलने दो, कोई बात नहीं करने दो। लेकिन मैंने किसी के साथ भी गलत नहीं किया, मैं क्यों करूँगी? मुझे क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से अगर मैं फातिमा के साथ गलत करूँ या किसी और के साथ करूँ? तो इस चीज़ का मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उसकी छोटी छोटी बेटियाँ हैं और मैं उनके साथ ऐसा गलत करूँगी? कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग जो है ना, बस भाई करते रहो, हम क्या करें। बस यही बोला था कि सब दुआ करें और ये जो है ना दोनों मियाँ बीवी की सुलह हो जाए और दोनों खुश रहें और बच्चे भी खुश रहें। क्योंकि बच्चों को कभी बीमार होते हैं, कभी स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, ये सब चीज़ें फिर ये दिल पर करेगा तो वो जब वहाँ चला जाएगा तो फिर कौन करेगा। इसलिए मैंने बोला कि सुलह हो जाए और दिल पर भी इधर घर ले लें तो फिर अच्छी बात है ना नैना? ऐसे सही है ना? तुम क्या कहती हो? ऐसे है ना, बच्चों को देखे दिल भर है ना। हाँ, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।